दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय देहरा पब्लिक स्कूल खबली। आप ऐसा चुप पूछो कोई धक्का नहीं मारा, मैं इसके खिलाफ FIR दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी थी मैंने वो निभाई है सर। आप नहीं हैंडीकैप तो आपने धक्का मारा, कोई धक्का नहीं मारा, गिरा था नीचे जो मेरे ऊपर आ गया है, मैं फिर धक्का क्या करूँ मैं। लॉकडाउन में जहां कई स्थानों पर पुलिस को खूब सराहा जा रहा है, ऐसे में कुछ बेलगाम अधिकारी अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में पूरे विभाग को ही कटघरे में खड़ा करने पर उतर आए तो उनकी यह कार्रवाई सभी किए कराए पर पानी फेर देगा। कुछ ऐसा ही वाकया नगरोटा बगवा का है, जहां दो दिन पहले एक ASI रैंक के अधिकारी ने अपनी वर्दी के रौब में एक असहाय दिव्यांगजन को भी नहीं बख्शा। लॉकडाउन में मिली छूट के वक्त स्कूटी के उपयोग पर उठे सवाल इस हद तक पहुंच गए कि उक्त अधिकारी ने अपनी बैसाखी के सहारे सवालों का जवाब दे रहे स्थानीय कारोबारी दिव्यांगजन को धक्के से सड़क पर ही पटक दिया। मौके पर पहुंचे शीर्ष अधिकारियों ने मामला शांत तो किया, लेकिन उनके समझाने के बावजूद उक्त अधिकारी का पारा नीचे नहीं उतर पा रहा था। इसी प्रकरण का CCTV फुटेज वायरल हुआ तो बात का दूर तलक पहुंचना स्वाभाविक था और लोगों का गुस्सा भी जायज। जानकारी मिली है कि सरकार और विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उक्त अधिकारी को लाइन हाजिर होने के आदेश दे दिए हैं। उधर स्थानीय विधायक अरुण मेहरा ने इस मामले पर दुख जताया है। आज ही मेरे संज्ञान में यहाँ पर हमारी मेहरा मंडल की प्रधान है चाड़ी पंचायत की, उनकी बहू सीमा देवी है जिनके पति जम्मू में रेलवे में नौकरी करते हैं और ये घर में दोनों सास और बहू दो बच्चे हैं। सामान लेने के लिए अपनी स्कूटी पर उसमें राशन नहीं था, इनके पास खत्म हुआ था और कुछ पैसे ATM से निकालने थे, इसलिए ये बाजार में गई थी और वहाँ पर पुलिस द्वारा इनका चालान कर दिया गया और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी की क्योंकि इसका चालान कर दिया, इनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने उनको बोला कि ATM में पैसे नहीं है, तो पुलिस वालों ने कुछ ऐसे तरीके से कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ऐसा इस तरीके से मेरे सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूं कि ये जो ऐसा परिस्थिति है इस समय देश के अंदर उत्पन्न है, ऐसे ही हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो जरूरतमंद का सामान लेने के लिए अगर जाता है और खास करके लेडीज कभी भी बिना वजह से बाजार नहीं जाती है और ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं। महिला मंडल के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी मदद भी की है, लोगों की राशन भी इकट्ठा किया है और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं किसी के साथ वो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई भी ऐसी गलत बात किसी को तंग करने की बात करेगा और जिद के कारण अगर किसी का चालान करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसको मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैंने SHO साहब को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। अगर हम जनता को इजाजत नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस समय कोई इजाजत नहीं है पुलिस के साथ मिसबिहेव करने की भी नहीं, लेकिन इसके साथ पुलिस को भी चाहिए कि अगर उसमें बाकी बहुत अच्छा हमारा नगोटा में काम चला हुआ है, लेकिन मैं सबसे पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसी चीजों को ध्यान में रखें जो व्यक्ति जरूरतमंद का सामान लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने दवाई लानी थी और लेडीज का अपना भी कई मजबूरी कई सामान लाना होता है, तो घर में कोई आदमी ना होने की वजह से ये बाजार गए थे, तो इस तरीके से ये गलत बात है। इस बारे में आइंदा पुलिस विभाग की मैं SP साहब के भी साथ इस बारे में बातचीत करूंगा, SHO जी के संज्ञान में लाया हूं ताकि आगे से ऐसे लोगों को परेशानी ना हो। नमस्कार सर, सब मैं सामान लेने गई थी, सबसे पहले मुझे ATM से पैसे लेने थे तभी मैंने अपना सामान ले सकती थी। मुझे पुलिस वालों ने चाड़ी रोड पे ही रोक लिया और वहां से वो बोलने लगे कि आप चालान दो। मैंने बोला सर कि मैं पैसे लेके आती हूँ फिर चालान देती हूँ। उन्होंने मेरा लाइसेंस रख लिया। जब मैं ATM में गई तो ATM बंद थे, पैसे नहीं मिले। जब मैं वापस आई तो मैंने उनको बोला कि पैसे नहीं निकले ATM में, तो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने ये बोला कि हमने ठेका नहीं ले रखा है आपका, ATM बंद है तो हमें अपने चालान से मतलब है। और मैं सामान राशन भी लाना था मुझे, तो राशन लाने के लिए मुझे स्कूटी ही ले जानी पड़नी थी क्योंकि अब ऑटो वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहे हैं। तो फिर जैसे ही मैं मतलब मैंने थोड़ा सा सामान लाना था तो मैं उस सामान को कंधे पे नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं स्कूटी लेके आई हूँ, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और वो मिसबिहेव करके उन्होंने मेरे 500 रुपए का चालान फिर भी काटा ही काटा। नहीं, बाजार में जाने की क्या जरूरत थी आपको? बाजार में सर ATM से हमें पैसे लेने थे, ATM से हम पैसे लाते तभी तो हम अपना सामान जरूरी खरीद सकते थे ना। आप बोल रहे दवाइयाँ वगैरह लेनी थी? कोई दवाई भी लेनी थी हमें अपनी माताजी की, मेरी माताजी जो है वो बीमार रहते हैं, मतलब वो BP की दवाई खाते हैं और आइस की भी मतलब दवाई ड्रॉप डालते हैं वो, तो आइस की दवाई भी लेनी थी और BP की भी,
तो उन्होंने ये बात भी नहीं मानी कि उन्होंने, मैंने उनको ये भी बोला कि क्या बुड्ढों को हम घर में मरने दें दवाई के बिना, उन्होंने बोला दवाइयां हमें नहीं पता वो आप जैसे मर्जी अरेंज करो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा बगवा से राजीव सूद की रिपोर्ट। घर पर रहें सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा नई बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर प्लस टू साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। हर वर्ष प्लस टू साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से प्लस टू पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।